सभी मोटरसाइकिलों में किक स्टार्टर या सेल्फ स्टार्टर या दोनों होते हैं। किक स्टार्टर मैकेनिज्म सरल है फिर भी रोचक है। किक स्टार्टर लिवर को हल्के से दबाने से पिनियन गियर मेन शाफ्ट के एक फ्री व्हीलिंग स्पर गियर से मैश होता है। जब हम स्टार्टर लिवर को पूरा दबाते हैं तो ये पिनियन गियर क्लच हब तक पावर ट्रांसफर करता है। क्लच हब क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है और क्रैंक शाफ्ट इंजन तक पावर ट्रांसफर करता है जिससे इंजन स्टार्ट होता है। सेल्फ स्टार्टर सिस्टम में इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर इंजन को स्टार्ट करने के लिए पावर देती है। इंजन चालू होने के बाद स्टार्टर मोटर को इंजन से अलग करना पड़ता है। हम इसके लिए वन वे क्लच का उपयोग करते हैं। इसमें एक आउटर रेस और एक इनर रेस होती है। इन दोनों रेसेस के बीच में रोलर्स होते हैं। जब स्टार्टर मोटर आउटर रेस को घुमाता है तो रोलर्स इन दो रेसेस के बीच में फंस जाते हैं और दोनों रेसेस एक साथ घूमने लगते हैं जिससे इंजन तक पावर ट्रांसफर होता है। इंजन चालू होने के बाद इनर रेस स्टार्टर मोटर से ज्यादा तेजी से घूमने लगती है जिससे रोलर्स स्वतंत्र हो जाते हैं और आउटर रेस तक पावर ट्रांसफर होने से रोकते हैं। इंजन स्टार्ट होने के लिए इंजन के अंदर इग्निशन होना जरूरी होता है। मोटरसाइकिल इंजन में इग्निशन के लिए एक स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग को ठीक से स्पार्किंग करने के लिए 20,000 वोल्ट तक आवश्यकता होती है। यहाँ दिखाए गए मॉडल में स्टेटर का उपयोग करके वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। मोटरसाइकिल के स्टेटर में कॉपर कॉइल्स होती है। इंजन के फ्लाईव्हील में परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जो फ्लाईव्हील के साथ घूमता है और कॉइल में करंट पैदा करता है। स्टेटर का प्रत्येक आउटपुट अलग अलग सिस्टम को पावर देता है जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। इग्निशन के लिए एक्साइटर कॉइल का उपयोग किया जाता है। इसमें अन्य कॉइल्स की तुलना में ज्यादा वाइंडिंग होती है जिसके कारण ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न करता है। एक्साइटर कॉइल से उत्पादित वोल्टेज CDI यूनिट को सप्लाई की जाती है। AC CDI यूनिट का कनेक्शन यहाँ दिखाया गया है। CDI यूनिट के अंदर एक कैपेसिटर होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। फ्लाईव्हील के पास में पिकअप कॉइल होती है। पिकअप कॉइल में एक मैग्नेट होता है जिसके ऊपर कॉइल होता है। फ्लाईव्हील की बाहरी सतह पर प्रोजेक्शन होती है। जब फ्लाईव्हील घूमता है और पिकअप कॉइल के पास प्रोजेक्शन पहुंचता है तो कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह वोल्टेज CDI यूनिट के अंदर के एक स्विच को चालू करता है जिससे सभी चार्ज कैपेसिटर से डिस्चार्ज हो जाता है। यह वोल्टेज को और बढ़ाने के लिए इग्निशन कॉइल का उपयोग किया जाता है। इग्निशन कॉइल एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो इनपुट वोल्टेज को 200 गुना तक बढ़ाता है जो स्पार्क प्लग को फायरिंग करने के लिए पर्याप्त है। मोटरसाइकिल में कई अन्य पार्ट्स होते हैं जो मोटरसाइकिल के निरंतर संचालन में मदद करते हैं। इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को टाइमिंग चेन का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। आमतौर पर सिंगल सिलेंडर इंजन में काउंटर बैलेंस होता है जो इंजन के अंदर कंपन को कम करने में मदद करता है। क्लच क्रैंकशाफ्ट से ट्रांसमिशन सिस्टम तक पावर ट्रांसफर करता है। ट्रांसमिशन